हमारे भाग्य में हजारों सालों से ये सूरज काला ही रहा है। ये अचानक नीला प्रकाश कैसा? क्या हमारी गुलामी की बेड़ियों पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? अरे भाई जरा अपने अपने सर उठा के तो देखो, इस प्रकाश का क्या अर्थ है? ये प्रकाश तो हमें परिवर्तन का प्रतीक नजर आ रहा है। ये हमें स्वाभिमान तथा आत्मसम्मान से जीने की राह दिखा रहा है। आओ हम आगे बढ़ें। आओ हमें मिलकर इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। कांशीराम, मेरे अंदर जो व्यवस्था परिवर्तन की ज्वाला धधक रही थी, वो मैं तुम्हारे अंदर महसूस कर रहा हूं। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि भारत देश में सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो मैंने शुरू की थी, उसे तुम ही आगे ले जा सकोगे। मैंने काफी संघर्ष के बाद अपने समाज के करोड़ों करोड़ दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने और उन्हें उनके मूलभूत अधिकार दिलाने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में व्यवस्था कर दी थी। इस व्यवस्था का फायदा तो बहुत लोगों ने उठाया है कांशीराम, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लोगों को ऊपर उठाने का कोई सार्थक प्रयास नहीं किया। मैंने एक ऐसे राष्ट्र का सपना देखा था जो हमें सामाजिक बराबरी का दर्जा दे सके, हमें स्वाभिमान से जीने का अधिकार दे सके, हमारे लोगों के साथ पशुओं जैसा नहीं बल्कि इंसानों जैसा बर्ताव हो। मैं ऐसा राष्ट्र चाहता था कांशीराम, और ऐसा तभी होगा जिस दिन इस देश की सत्ता पर हमारा कब्जा होगा। उठो, आगे बढ़ो, इस देश में रह रहे करोड़ों दबे कुचले लोगों को इकट्ठा करो, उन्हें शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो। जागे मुसाफिर भोरे भाई, अब रहने कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है मुसाफिर भोरे भाई। बाबा, अरे क्या मैं सो रहा था या कोई सपना देख रहा था? नहीं, मैं सो नहीं रहा था, मैं तो चिंतन में डूबा हुआ था। अगर मैं ही सो गया तो हमारे अज्ञानी समाज को कौन जगाएगा? बाबा, आपका सपना व्यर्थ नहीं जाएगा, मैं इसे जरूर साकार करूंगा। मैं बदलूंगा इस देश की तस्वीर को, और अपने करोड़ों लोगों की तकदीर को मैं बदलूंगा।
मैं दिखाऊंगा कि अब वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं दिखाऊंगा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मैं इस देश की सामाजिक व्यवस्था बदल कर ही रहूंगा। मैं आपको वचन देता हूं बाबा। जोर से लगी हुई है, खाने का तो समय ही नहीं मिला। तुझे नहीं लगी है क्या? लगी तो मुझे भी है साहब, लेकिन इतने रात में खाना मिलेगा कहाँ से? उधर देख, जो बर्तन वहां रखे हुए हैं जी, उसी में देख, शायद कुछ खाने को मिल जाए। अभी देखता हूँ साहब। अब सुन, किसी की नींद खराब ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना। जी। इसमें तो कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ सूखी रोटियां पड़ी है, खाने के लिए दाल सब्जी भी नहीं है, तो खाएंगे क्या? ला, तू मुझे सूखी रोटी ही दे दे। सुन, एक काम कर, एक गिलास पानी ले आ। जी अभी ले आता हूँ। ले सब पानी लो। ला, इस रोटी को पानी में भिगो कर खा, जैसे मैं खा रहा हूं। देख कितना मजा आ रहा है। आखिर हम सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हैं, हम एक दिन सूखी रोटी नहीं खा सकते क्या? हमारे समाज में न जाने कितने लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होती। अरे भाई तू क्यों रो रहा है? कुछ नहीं साहब, माँ की याद आ गई। क्या मतलब? साहब मेरी माँ कहा करती थी कि हमने कई बार बिना खाए रात गुजारी है। अरे तू तो छोटा था, तुझे क्या पता? तुझे पता है, अब यही समाज मेरा घर परिवार है, यही मेरे माँ बाप मेरे भाई बहन हैं। हमें इन्हीं लोगों की सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक हालत ठीक करनी है और इस बीमार समाज को हमें स्वस्थ समाज बनाना है। मुझे लगता है जातिवाद ही सामाजिक व्यवस्था की सारी सामाजिक बुराइयों की जड़ है। जात विहीन समाज की स्थापना किए बगैर ये बुराई खत्म नहीं हो सकती। साहब कैसे खत्म करेंगे? हमने तो सुना है ये सामाजिक व्यवस्था तो ईश्वर ने बनाई है। नहीं, इस दुनिया में हर चीज इंसानों ने बनाई है। बड़े से बड़े पुल जो एक दूसरे को जोड़ते हैं, पहाड़ को भेद कर रास्ता बना दिया जिसे हम सुरंग कहते हैं। जब दुनिया में मशीनें नहीं होती थीं, तो इंसानों ने अपनी इच्छा शक्ति
और अदम साहस का परिचय दिया। तो साहिब हमें सबसे पहले क्या करना होगा? जाति व्यवस्था को जड़ से खत्म करना, यही हमारा पहला ध्येय होगा। सदियों पुरानी सड़ी कली सामाजिक कुरीतियों ने हमें मानसिक गुलामी की पेड़ियों में जकड़ रखा है। उन पेड़ियों को तोड़ना है। तो जाओ, सामाजिक महापुरुषों के विचारों को कैडर कैंप के माध्यम से राष्ट्र के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा दो, ताकि वो अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति जागरूक हो जाए। सदियों से चली आ रही गैर बराबरी वाली जातिवादी सामाजिक व्यवस्था को, जिसके कारण अपने देश में करोड़ों दलित शोषित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोग हर प्रकार से शोषण का शिकार हो रहे हैं, ऐसी व्यवस्था को हमें खत्म करना ही होगा। साहब, इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए हमें सबसे पहले इन सताए हुए लोगों का एक मजबूत संगठन तैयार करना होगा और निस्वार्थ मन से समाज की सेवा करनी होगी। लेकिन साहब, इन साधन संपन्न लोगों से हम साधन विहीन समाज के लोग कैसे निपट सकते हैं? साथियों, हम अपनी सामाजिक परिवर्तन की सोच बनाकर बड़े बड़े सामाजिक आंदोलन खड़े करने के लिए अपने पैरों पर चलकर अपने संगठन को मजबूत बनाकर पूरे देश में भाईचारा बनाकर हम अपनी मंजिल अवश्य पालेंगे। मैं अपना सारा जीवन देश में समतामूलक समाज को कायम करने के लिए कुर्बान करता हूं। साथियों, मैं ये भी प्रण लेता हूं कि मैं ना तो कभी विवाह करूंगा और ना ही किसी भी प्रकार की कोई निजी संपत्ति रखूंगा। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। साथियों, हमें अपना बाम सेफ का संगठन चलाते हुए 6 वर्ष लगभग हो चुके हैं। इन 6 वर्षों में हमारा संगठन लाखों लोगों का वृहदाकार ले चुका है। साहब, अब आपकी अगली योजना क्या है? साहब, इतने लोगों को लेकर तो हम सरकार के ऊपर दबाव भी बना सकते हैं। साहब, हमारे लोगों के जो काम नहीं होते हैं उसे एकजुट होकर करवा सकते हैं। साहब, हमारे साथ भेदभाव करने वालों को मिलकर सबक सिखा सकते हैं। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो फिर आखिरकार हम क्या करेंगे? साथियों, हम अपनी राजनीतिक पार्टी खड़ी करेंगे और सत्ता हासिल करेंगे। साहब, क्या यह संभव हो सकेगा? 100% 100%। साहब, क्या हम इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने टिक सकेंगे? साहब, क्या हम 100 साल पुरानी पार्टी से लड़ पाएंगे? हम टिकेंगे भी, लड़ेंगे भी, बढ़ेंगे भी। साथियों, जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति कभी भी कामयाब नहीं होती। हमें अपने समाज की जड़ें मजबूत करनी होंगी। बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशी राम करेंगे पूरा। बाबा तेरा मिशन अधूरा, काशी राम करेंगे पूरा। काशी राम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। काशी राम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माता
के लिए होती है और सत्ता बिना संघर्ष के नहीं मिलती, और इस संघर्ष में ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहो। कांशीराम जी, सुना है आप देश में जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं। यह गलत है। हम तो पूरे देश में 6,743 जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम भला जातिवादी कैसे हो सकते हैं? आप पर कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि कांशीराम राष्ट्रवादी नहीं CIA के एजेंट हैं। नहीं, यह गलत है। सरकार के पास तो पूरी मशीनरी है। सरकार ने मेरे खिलाफ इस मामले में जांच करा के अभी तक कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की? जहां तक राष्ट्रवाद का सवाल है तो राष्ट्रवाद मेरे लिए भारत की जनता है। हम जाति व धर्म के आधार पर बटे राष्ट्र को संगठित कर इसे मजबूत राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये सब आप कैसे कर पाएंगे काशीराम जी? कहा तो ये भी जा रहा है आप पार्टी में अकेले ही वन मैन शो हैं। कुछ वर्षों तक तो मुझे कोई भी नहीं जानता था, आज आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई, मेरी पार्टी में बहुत से कर्मठ लोग हैं, पर उनमें से एक अदम्य साहस, अधिक लक्ष्य, मजबूत इरादों वाला नेता तैयार है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो एक दिन दुनिया का हजारों साल का इतिहास बदल कर रख देगा। अरे? कौन है ऐसा नेता? क्या वास्तव में ऐसा संभव है? उस नेता का नाम है मायावती। समझदारी तेरी अजब है सरकार, समझदारी तेरी अजब है सरकार। देश को तूने माया दे दी, देश को तूने माया दे दी, करेंगी बेड़ा पार। समझदारी तेरी अजब है सरकार, समझदारी तेरी अजब सरकार। समझदारी तेरी अजब है सरकार, समझदारी तेरी अजब है सरकार, समझदारी तेरी अजब है सरकार। साहू फुले भीम राव का सपना, जिसको बनाया तूने अपना,
रहूं भीम राव का सपना, जिसको बनाया तूने अपना, संघर्ष से ये सत्ता तक का, संघर्ष से ये सत्ता तक का सपना हुआ साकार। समझदारी तेरी अजब है सरकार, समझदारी तेरी अजब है सरकार, समाज बने भाई भाई। ओ, ओ, ओ परिवर्तन की तूने अलख जगाई, बिखरा समाज बने भाई भाई, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, भीम की हुई जय जयकार। समझदारी तेरी अजब है सरकार।